हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको स्पाइडर प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ। ये पौधे के पत्ते आप देख सकते हैं हरे, और अगर आप बिजी रहते अपने काम में और आपको प्लांट के केयर करने में टाइम नहीं मिल जाता तो ये प्लांट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसकी मिट्टी सूखी रखें तो भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे हफ्ते में या फिर 15-1 दिन में आप इसे पानी दे सकते हैं। ध्यान रखें ऊपर की 1.5 इंच मिट्टी सूखी तभी आप इसमें पानी दीजिए। मेरे पास अगला पौधा है लिली। लिली प्लांट को आप सब जानते ही होंगे। इसमें से वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसमें नीचे एक बल्ब तैयार होता है। अगर आप उसमें से प्रोपगेट करना चाहते हो तो आप उस बल्ब को एक दूसरे से सेपरेट करके भी नए पौधे बना सकते हैं। पर ध्यान रखें आपके पौधा मेरे पौधे जैसा बड़ा होना चाहिए, तभी इसमें से बल्ब निकलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे इस पौधे में बहुत सारे बल्ब नीचे से आए हुए हैं। और दोस्तों, अगला पौधा है क्रोटॉन। क्रोटॉन एक हरे और येलो कलर और पिंक कलर के रंग का मिक्सचर होता है। और दोस्तों, अगला पौधा है स्पाइडर प्लांट का। ये भी स्पाइडर प्लांट के ही फैमिली से बिलोंग करता है। आप देख सकते हैं मैंने इसका बेबी प्लांट बनाया हुआ है कटिंग से। आप भी इसमें कटिंग से पौधा बना सकते हैं। ये भी स्पाइडर प्लांट जैसा ही है। मैंने भी इसकी कटिंग से ये पौधा तैयार किया है और आप देख सकते हैं मेरे पास ऐसे 2 पौधे थे। मैंने उसमें से और 2 उसके प्लांट्स कटिंग से तैयार किए हुए हैं। और दोस्तों, अगर आपने इसे खुली धूप में रखा तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चल जाता है। इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख सकते हैं मेरे पौधे मैंने खुली धूप में रखे हैं। इसे ज़्यादा छाया की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसे धूप में रखें तो भी अच्छे से चल जाते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग से ये पौधा लगाया है। आप कटिंग से सीधे इसे अच्छे गमले में लगा सकते हैं और आप इसे अच्छे तरीके से कोकोपीट और खाद और नीम की पत्ती या गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सभी पौधे बहुत अच्छे से आए हुए हैं। और ये लिली का पौधा मैं इसे कुछ दिनों बाद प्रोपोगेट करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इसके नीचे से बहुत सारे बल्ब निकलने हुए हैं। अगर हम इसे सेपरेट करें तो इससे नया पौधा निकल आता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इन सब में लगने वाले फर्टिलाइज़र की, तो इसमें मैं ऑर्गेनिक नीम की खाद और गोबर का खाद डालता हूँ और लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी स्प्रे करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए।